कल आपां 3.1 दा फर्स्ट सम सॉल्व कीता सी, अज आपां सैकंड सम सॉल्व करन जा रहे हां, जिस दी स्टेटमेंट हैगी आ हाउ मैनी डायगनल्स डज ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव। ठीक है, हाँ जी, पहला ए पार्ट आ ए कन्वैक्स क्वाड्रिलेटर, बी पार्ट है ए रेगुलर हेक्सागन, सी पार्ट है ए ट्रायंगल। ओहदे विच पुछया गया वा तिना पार्ट्स विच ए पुछया गया कि इन्हां विच किन्ने डायगनल बनते हैं, ए पार्ट च किन्ने डायगनल बनते हैं, बी पार्ट च किन्ने डायगनल्स बनते हैं और सी पार्ट च किन्ने डायगनल्स बनते हैं। ठीक है बच्चे, हुण आपां इहदी करांगे सॉल्विंग। पहला आपां ए पार्ट सॉल्व करांगे। हाँ डियर स्टूडेंट, हुण आपां सैकेंड सम दा ए पार्ट सॉल्व करन जा रहे हैं। ए पार्ट चों पुछिआ जी ए कन्वैक्स क्वाड्रिलेटर। ठीक है, पहला इहदा आपां नूं मतलब पता होना चाहीदा वा कन्वैक्स की आ ते क्वाड्रिलेटर की आ। वैसे तो तुहानूं मैं डेफिनेशन च दस्सिआ आ पर फिर भी मैं इत्थे क्लीयर कर दिंदा तुहानूं। क्वाड्रिलेटर मतलब कि चार साइडां दे नाल नाल क्लोज फिगर। ठीक है, ते कन्वैक्स दा मतलब कि मतलब वह फिगर के अंदर डायगनल बन। ठीक है, मैं डेफिनेशन तुम दसाया, यद मतलब हो गया कि आप क्वाड्रिलेटर बनानी आ जिदे अंदर डायगनल बन, इंटीरियर डायगनल बन। ठीक है बच्चे, हूँ आप क्वाड्रिलेटर जो बनाने लगना वा बस एक गल का ध्यान रखना वा कि वो फोर साइड्स होन और क्लोज फिगर हो, मतलब कि शेप जिस तरह तुम मर्जी की बना सकते जो पर एक गल का ध्यान रखना है क्लोज हो ते फोर साइड्स होन, मतलब कि लाइन सैगमेंट ना जी बनती है चीज़ें। ठीक है, हुण वेखो आप ड्रा करती है यह डायग्राम, मैं ए बी सी डी दे नाम रख दिते हैं। ठीक बच्चो, और हुण वेखो मैं इस ड्रा कर लगी है डायग्राम, वेखो ए नू मैं सी नाल मीट कर लगी है। ठीक है, हाँ जी, डॉट लाइन भी कर सकते हैं और डार्क लाइन भी तो शो कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, हुण डायगनल दी डेफिनेशन मैं लिखाई है। डायगनल दी डेफिनेशन की नॉन कॉन्सिक्यूटिव वर्टेक्स लैने। ठीक है, हाँ जी, हुण ए नॉन कॉन्सिक्यूटिव वर्टेक्स। ठीक है, इस तरह बी डी ना मीट कर दिता आप। ठीक बच्चे, बी नू डी ना मीट करता है, ये भी की आ नॉन कॉन्सिक्यूटिव पॉइंट है गया बी ते डी, बी नू डी ना मिलाता। हुण वेखो आपां को सिर्फ दो ही डायगनल बने। ठीक है, इहदा मतलब कि आंसर की होया ए कन्वैक्स क्वाड्रिलेटर हैज़ टू डायगनल्स। हाँ जी, इहदा सैकेंड का बी पार्ट ए रैगुलर हैक्सागन, इहदा मतलब की आ कि बराबर छे साइडा वाली क्लोज फिगर। ठीक है, इक्वल फोर साइडा वाली क्लोज फिगर। ठीक है, हुण आपां वेखो ए डायग्राम बनाई हैगी आ, ये कि मैं क्लोज फिगर बनाई आ। ठीक है, सिक्स साइड लई आई है, 1 2 3 4 5 6 और इधर वेखो इक्वल लई आई आ, सारे दी लेंथ जिहड़ी आ इक्वल आ। फिर बच्चे सुन लो, रैगुलर हैक्सागन दा मतलब कि इक्वल छे साइडा वाली क्लोज फिगर। यह डायग्राम बनी हुई है, सिक्स साइड है, 1 2 3 4 5 6 और सारी साइडा की आ इक्वल। इस पूछा गया कि किन्ने डायगनल बन गए। हुण डायगनल बनाने लगे फिर तुम मैं फिर रिपीट कर दी, डायगनल चीज़ा कॉन्सिक्यूटिव पॉइंट नहीं लेना, नॉन कॉन्सिक्यूटिव पॉइंट लेना। नॉन कॉन्सिक्यूटिव पॉइंट मतलब दा कि जिहड़ा लागे ना पॉइंट होवे। हुण वेखो ए जिहड़ा बी दे लागे आ ये कॉन्सिक्यूटिव पॉइंट आ। ठीक है, जिहड़ा ए जिहड़ा सी बी सॉरी जिहड़ा बस सी आ वह ए दे लागे नहीं आ, ये की आ नॉन कॉन्सिक्यूटिव पॉइंट। बस तुसीं नॉन कॉन्सिक्यूटिव पॉइंट नूं मीट करी जाना, मतलब कि लागे वाले नूं नहीं करना, एक छड लो पॉइंट जां दो छड लो पॉइंट, वह कॉन्सिक्यूटिव पॉइंट ही हुंदे आ। ठीक है बच्चो, जिस तरह कि मैं की किया पहला ए नू मीट किया वा सी दे नाल, इस मैं बी छड्डता क्योंकि नॉन कॉन्सिक्यूटिव सॉरी मैं बी नू छड्डता वा। ठीक है, क्योंकि कॉन्सिक्यूटिव पॉइंट से। ठीक है, हुण वेखो होर किहड़ा मैं मिला सकती है, ए नू डी नाल मिला सकती है, मीट कर सकती है,
क्योंकि ये एक दो पॉइंट छड़े गए हैं। ठीक है, एक छड़ सकते जो दो छड़ सकते हो, ये तुहाडी मर्जी है। ठीक है, हुण वेखो यह जिहड़ा पॉइंट होर मैं कित्थे लिजा सकती है, ए नूं ई दे नाल। ठीक है, इहदे नाल नहीं लिजा सकती क्योंकि ये नाल लगता पॉइंट है। ठीक बच्चे, हुण उस तो बाद होर वेखिए आपां किहड़े किहड़े लिजा सकते हैं। हुण मैं एफ वल लैनी आ, ए छड़ता एक। ठीक है, एफ नूं मैं डी नाल मीट किया। ठीक है बच्चो, हाँ जी, हुण मैं एफ नूं सी नाल भी मीट कर सकती, दो पॉइंट छड़ते। ठीक है, हुण इस तों बाद मैं एफ नूं बी नाल मीट कर सकती हाँ, ए पॉइंट मैं छड़ दिता, छड़ना बस पॉइंट, गल दे ध्यान रखना बस। हुण इत्थे जिन्ने कु मेरे को बन सकते मैं बना दिते, होर नहीं बन सकते इत्थे। हुण कोई होर पॉइंट लैके आपां वेखने आ। ठीक है बच्चे, हुण सपोज करो कि मैं डी छड़ दिनी आ ते एफ ते सी नूं मीट कर दिनी आ, एफ ते सी नूं मीट कर दिनी आ। ठीक है, हुण उस तों बाद मैं इह दो पॉइंट छड़ते आ ते एफ ते बी नूं मीट कर दिनी आ। उस तो बाद बच्चे होर केड़ा मीट कर सकता, हुण तुसीं थोड़ा जिहा दिमाग लाओ, हाँ लभो होर केड़ा मीट हो सकता वा, बोलो। वेखो हुण वेखो सारे मीट हो गए आ, हुण आपां काउंटिंग करिए किन्ने होए। वेखो पहला आपां आ मीट किया, इहदे नाल केड़ा मीट किया, वन टू ते थ्री। ठीक है, इहदे नाल केड़ा मीट होया, फोर फाइव सिक्स। ठीक है, इहदे नाल केड़ा मीट होया, सैवन एट। हुण वेखो होर इस तों वध तों वध किहड़ा मीट हो सकदा वा, जे कोई रहिंदा वा तां तुसीं चैक करो ते फिर मैं वी दसनी आ किहड़ा रहिंदा है। ठीक है बच्चो, हुण हाँ जी बच्चो सोच लिया, हाँ वेखो दसो किहड़ा वा। हुण मैं लिखण लगी जो, मतलब ड्रा करन लगी जो, वेखो तुहाडा सही है गलत किहड़ा रह गई, बी नूं डी दे नाल ऐसे, क्योंकि इहदे विच वी सी छड्डिया गया वा। ठीक है बच्चो, हुण ये टोटल बनते आ नाइन, वैसे तो नाल नाल ही गिनती कर लो तो तुहानूं छेती पता लग जूगा, जो तुसीं ड्रा कर लगदे इस तरह कर करो, वन टू थ्री फोर फाइव, इस तरह करके टोटल बनते आ नाइन, नाल ही ड्रा करके वन टू तुसीं कर लेना, ये नाइन बनते पे आ। ठीक बच्चो, हुण आ गया वा सी पार्ट। हाँ जी बच्चो, हुण मैं लाइन ड्रा करती सी, हुण तुसीं एक बार फिर ये वीडियो नूं दोबारा वेखना है, तो ज्यो ही मैं लाइन मारती है तुसीं काउंटिंग कर जानी आ, मैडम ने वन डायग्राम शो करता वा, टू डायग्राम शो करता वा, थ्री डायग्राम शो करता, फोर डायग्राम शो करता, फिर तुहानूं काउंटिंग तुहाडे को तुहानूं नाइन डायग्राम मिल जाने आ। ठीक है, यह मैं लिखा ए रेगुलर हैक्सागन हैज ए नाइन डायगनल्स। ठीक है, हुण आ गया सी पार्ट। हाँ जी बच्चे, रेगुलर स्पेलिंग है आर ई जी यू एल ए आर, रेगुलर। हुण बच्चो आ गया सी पार्ट, ए ट्राइंगल। ऐ बच्चो मैं ट्राइंगल शो कर दिती आ, तुसीं जिहड़ी मर्जी टाइप की ट्राइंगल बना सकते जो। ठीक है, हाँ इहदे च इहदा आंसर हैगा ए ट्राइंगल हैज ए नो डायगनल, कहिंदे इहदा कोई डायगनल नहीं बनता। क्यों नहीं बनता बच्चो, वेखो मैं ट्राइंगल ड्रा की है। ठीक है, इहदा ए बी सी ना रखिया। ठीक है, हुण जे मैं कहां कि मैं डायगनल बनाउण की कोशिश करा, पर डायगनल च एक शर्त हैगी आ नॉन कॉन्सिक्यूटिव पॉइंट नूं मीट करना। वेखो जे मैं इधर मीट करती है ये कॉन्सिक्यूटिव पॉइंट आ, इधर मीट करती है कॉन्सिक्यूटिव पॉइंट आ, इधर मीट करती है कॉन्सिक्यूटिव पॉइंट आ, ए कोलो इस डायगनल बन ही नहीं सकता, ए कोलो दा जवाब आ ए ट्राइंगल हैज ए नो डायगनल। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द एंगल ऑफ ए कन्वैक्स क्वाड्रिलेटर। हाँ जी, इहदा मतलब की आ कि कन्वैक्स क्वाड्रिलेटर दे एंगलां दा जोड़ की आ। ठीक है, कन्वैक्स क्वाड्रिलेटर बारे आपां उपर बड़ी डीपली दस्या है भाई की हुंदा है, इहदे फोर साइड्स हुंदी आ, क्लोज फिगर हुंदी आ, इहदे अंदर डायगनल्स बनते आ। ठीक है, फिर तां मैं रिपीट करता,
हाँ जी, इन्हें पूछे की दा एंगलों का जोड़ा किन्ना है। ठीक है, मैं यदा आंसर लिखा 360 डिग्री। ठीक है बच्चो, हूँ 360 डिग्री आप रट्टा ही ला नहीं लैना, ये मैं तुहानू डायग्राम च दसनी हाँ कि 360 किस तरह बनिया। ठीक है, यह जो काम है, हाँ जी बच्चो, आप 360 डायग्राम के थ्रू मैं तुहानू दिखा रही हाँ कि किस तरह 360 बनिया। ये वैसे यह चीज रफ काम है सिर्फ तुहानू समझाउण करके। ठीक है बच्चो, हाँ जी वेखो, आप एक कन्वैक्स क्वाड्रिलेटर ड्रा किया। ठीक है, हुण मैं ये पता करना चाहती हाँ कि 360 डिग्री बनता भी आ कि नहीं भी बनता। ठीक है, हुण इहदे विच की मैं एक डायगनल ड्रा कर लैनी हाँ ए तो सी तक। ठीक है, भावें बी तो डी भी कर लो, कोई गल नहीं। हुण तुसी इहदे विच की वेख रहे जो साडे कोल दो ट्रायंगल बन गया, फस्ट ट्रायंगल एंड सैकंड ट्रायंगल। ठीक है, हुण आपां पिछले क्लासा च ट्रायंगल बारे पढ़िया है वा भी ट्रायंगल दे एंगलों का जोड़ किन्ना हुंदा वा, सब नू पता है 180 डिग्री, क्योंकि आप पिछले क्लास च लर्न किया वा। ठीक है बच्चो, हुण मैं इधर ट्रायंगल मेरे को बन गया ए बी सी, मैं लिखता सम ऑफ एंगल ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी किन्ना है 180 डिग्री। ठीक है, हुण एक ट्रायंगल मेरे को बनी आ ए सी डी। ठीक है, हुण सम ऑफ एंगल ऑफ ए ट्रायंगल ए सी डी, ठीक है, इहदा भी जोड़ किन्ना वा 180 डिग्री। ठीक है बच्चो, हुण इन्हां दोनों नूं जोड़ के साडे को की मिल प्राप्त हो जाता वा क्वाडीलेटर। ठीक है, क्योंकि इन्हां दोनों नूं प्लस कर लिए ट्रायंगल नूं है। ठीक है, तो यह साडे को की आएगा क्वाडीलेटर। जे आपां इधर प्लस करके इन्हां नूं क्वाडीलेटर लिखिया वा तो इधर भी आपां प्लस करांगे ना 180 डिग्री 180 डिग्री, एक ही बन गया साडे कोल 360 डिग्री। तो आप कह सकते हैं कि जो ट्रायंगल दे एंगल जोड़े 180 डिग्री है, मतलब कि 180 डिग्री है, तो क्वाड्रिलेटर दे एंगलों का जोड़ कितना होगा 360 डिग्री, जवाब दिसा। यह सिर्फ तुहानू समझाउण करके दस्सिया भी किस तरह आंसर आ गया। ठीक बच्चो, हुण सैकेंड पार्ट च उन्होंने की पूछा है, हाँ जी, विल दिस प्रॉपर्टी होल्ड इफ द क्वाड्रिलेटर इज नॉट कन्वैक्स। सैकेंड पार्ट च उन्हें की पूछा वा कि यह जी प्रॉपर्टी आ जी नॉन कन्वैक्स जी क्वाड्रिलेटर अप्लाई होगी। ठीक है, हुण आपां वेखना भी वह भी उहदे विच भी 360 डिग्री एंगल बनेगा कि नहीं बनेगा, ये आपां जवाब देना। मतलब कि कन्वैक्स क्वाड्रिलेटर 360 बनता ही आ, वह आपां प्रूफ करके दिखाता। हुण वेखना जे वह कन्वैक्स ना हो तो मतलब दूजी की होंगी कनकेव। ठीक है, हुण उच्च उहदे विच भी 360 डिग्री एंगल बनता है कि नहीं बनते, आपां ये हुण देखना है। हाँ जी बच्चो, सैकंड पार्ट का जवाब है जैस। ठीक है, हुण जैस मैं किस तरह आंसर दिता वह मैं तुहानू इत्थे रफ काम च समझा रही हाँ। ठीक है, इन हुण ध्यान नाल वेखो भी जैस किस तरह जवाब आया। उन्होंने कहा है कन्वैक्स क्वाड्रिलेटर ना हो। ठीक है, हुण यह मैं डायग्राम है, यह नॉट कन्वैक्स क्वाड्रिलेटर। नॉट कन्वैक्स क्वाड्रिलेटर किस तरह की होंगी आ, जिदे घट्टो घट एटलीस्ट वन डायगनल जोड़ा आउटसाइड से बनता हो। ठीक है, हुण बच्चो वेखो इत्थे एक जोड़ा डायगनल आउटसाइड से बनता पे, देखो बी तो डी ए बन गया ना आउटसाइड तो, ठीक देख रहे जो ना। हाँ, पहले तो अंदर बनता से जो फस्ट पार्ट से, इस डायगनल जोड़ा वा बार बनया। ठीक है, हुण इन ये पूछा भी इन्होंने एंगलों का जोड़ भी 360 बनता वा कि नहीं बनता पाया। ठीक है, मतलब कि जिहड़ी पहली प्रॉपर्टी आप मतलब समझाई आ वह ये भी अप्लाई होंगी पी आ कि नहीं होंगी। हुण आप वेखना, हुण देखो बच्चो ये मैं नॉट कन्वैक्स क्वाड्रिलेटर के टू पार्ट्स कर दते आ, देखो मैं किया ए तो सी तक इन मीट किया। ठीक है, इस तरह करन दे नाल की बनिया बच्चो कि एक तुहाडे को ट्रायंगल ऐड रहा होगी, सैकेंड ट्रायंगल ऐड रहा होगी। ठीक है, ठीक है, एक का ना है ए सी बी, दूसरे ना है ए सी डी। हुण मैं इस तरह ही लिखता सम ऑफ एंगल ऑफ
ट्रायंगल ए सी डी ए लिखता। ठीक है, हुण आपां पिछले क्लास लर्न किया है वा कि ट्रायंगल दे एंगल जोड़ 180 डिग्री होंदा है, ये 180 डिग्री कुल लिखता। इस तरह आपां को ट्रायंगल है ए सी डी, सम ऑफ एंगल ट्रायंगल ए सी डी 180 डिग्री ऑलरेडी आपां जानते हैं। हुण आपां इन्हां दोनों नूं की करता प्लस, ए चीज़ नूं प्लस करना क्वाड्रिलेटर बन गई है, ट्रायंगल तो क्वाड्रिलेटर बन गई है। क्वाड्रिलेटर किस तरह सी, क्योंकि देखो एक साइडा ते फोर ही ना, 1 2 3 4 ते, ठीक है, इस कोलो आपां इहनूं क्वाड्रिलेटर बोल सकते हैं। हुण जे इधरों आपां प्लस किया तो इन्हों में प्लस करांगे 180 डिग्री, 180 डिग्री किन्ना बन गया 360 डिग्री। हाँ, जिहड़ी आपां पहला प्रॉपर्टी और उच्च भी आंसर आपां 360 डिग्री आंदा सी, हुण ही आपां 360 डिग्री ही आंदा है। इस कोलो ये जे नॉट कन्वैक्स क्वाड्रिलेटर होवे तां वी सम ऑफ एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटर 360 डिग्री ही हुंदा वा। इस कोले दा आंसर यस आ बच्चो, आंसर आहो ही है, सब तुहानूं समझाउण करके कीता मैं। हाँ जी बच्चो, इत्थे मैं बोल तो दिता वा पर मैं लिख देनी हुण इत्थे एंगल्स। ठीक है, हाँ जी स्टूडेंट, मेरे चैनल नूं लाइक शेयर एंड सबसक्राइब जरूर करो तां कि मेरी अगली वीडियो तुहाडे तक जल्दी तो जल्दी पहुंच सके। थैंक यू।